नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ट्रांजिस्टर में वोल्टता व धारा के चिन्ह। तो ट्रांजिस्टर होता है वो बेटा एक चतुर टर्मिनल नेटवर्क के तुल्य मान सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हम एक चतुर टर्मिनल नेटवर्क के तुल्य मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत दो निवेशी टर्मिनल, दो निवेशी टर्मिनल एवं दो निर्गत टर्मिनल होते हैं। कोई धारा पॉजिटिव होगी यदि वह ट्रांजिस्टर में प्रवेश करती है, एवं ये कोई धारा नेगेटिव होगी यदि वह ट्रांजिस्टर से बाहर निकलती है। धारा पॉजिटिव कब होगी? जब ट्रांजिस्टर के अंदर क्या करेगी? प्रवेश। एवं नेगेटिव कब होगी? जब ट्रांजिस्टर से क्या निकलेगी? बाहर। एवं वोल्टता पॉजिटिव होगी यदि वोल्टता का ऊपरी सिरा ग्राउंड के सापेक्ष पॉजिटिव है। वोल्टता पॉजिटिव होगी यदि वोल्टता का जो ऊपरी सिरा है बेटा वह ग्राउंड के सापेक्ष कैसा है बेटा? पॉजिटिव। एम वोल्टता नेगेटिव होगी यदि वोल्टता का ऊपरी सिरा ग्राउंड के सापेक्ष कैसा है? नेगेटिव। ये तो थी बेटा ट्रांजिस्टर में वोल्टता एवं धारा के नियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर के प्रकार। ट्रांजिस्टर के प्रकार। तो बेटा ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला एनपीएन, दूसरा पीएनपी। थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। ट्रांजिस्टर की बायसन को निम्न तीन प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात जो फर्स्ट होगा आपका उभयनिष्ठ आधार विन्यास, सेकंड होगा आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, और थर्ड होगा आपका उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, अर्थात कॉमन इमिनेटर विन्यास, कॉमन बेस विन्यास, कॉमन इमिटर विन्यास, कॉमन कलेक्टर विन्यास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास। सबसे पहले लिया हमने ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन बेटा क्या होता है? एन तो छोटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, ठीक है। एनपीएन ये बताया ना, ये जो टर्मिनल है हमारा ई वाला, ये टर्मिनल वी वाला और ये टर्मिनल सी वाला। अब क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर के तो डायग्राम में उभयनिष्ठ आधार विन्यास को दर्शाया गया है। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा यहाँ जो संधि होगी उसे बोलते हैं हम जे ए या जे ई वी, यहाँ जो संधि होगी जे सी, या फर्स्ट संधि हम बोलते हैं ई वी संधि, सेकंड संधि बोलते हैं सी वी संधि, ई वी संधि। यहाँ जो पूरा जगह जो पूरा खेल है यहाँ पर वो किसका है? इन दो का, ई वी संधि सी वी संधि। ई वी संधि कहती है कि बेटा मैं हमेशा अग्रवायस में रहूँगी, एम सी वी संधि कहती है बेटा मैं हमेशा कहाँ रहूँगी?
फर्स्ट वाइसेज। तो अब हम डायड को बैटरी से जोड़ेंगे, तो देखो बेटा संधि कौन सी, ई बी क्या है, एन या क्या है पी। तो ई बी संधि क्या बोलती है कि पी फोर पॉजिटिव लगाओ, एन फोर नेगेटिव लगाओ, जबकि सी बी संधि बोलती है ना पी फोर नेगेटिव एन फोर पॉजिटिव। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये हमने बोल्टता लगा दी, ई बी संधि नेगेटिव पॉजिटिव, संधि कौन सी बेटा सी बी, और सी बी संधि क्या कहती है एन फोर पॉजिटिव पी फोर नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारा जोड़ दिया हमने बी, क्योंकि ये क्या हमारा कॉमन बी। अब देखो बेटा ई और बी, तो इसका नाम होगा वी ई वी, सी और वी नाम क्या हो जाएगा वी सी वी। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत मैंने क्या बताया, एन का मतलब निकास, तो धारा निकली, कौन सा करंट निकला आई ई करंट निकला, ये निकला बिल्कुल निकलेगा। अब यहाँ से देखो यहाँ ये निकलेगा कब, जब यहीं से तो जाएगा, तो ये इसके अंतर्गत क्या कर रही है प्रवेश कर रही है। और ये बताया ना कोई धारा पॉजिटिव होगी कब यदि वो उसमें प्रवेश कर रही है, नेगेटिव होगी कब यदि वो उसके अंतर्गत निकल रही है। अर्थात अभी बताया था कि ट्रांजिस्टर में कोई धारा पॉजिटिव होगी यदि वो ट्रांजिस्टर में प्रवेश करती है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये करंट पॉजिटिव कब होगा जब इसमें प्रवेश करेगी, ये नेगेटिव निकल जाएगी। अब इधर देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का अंतर क्या होगा प्रवेश करेगी, या बात करें हम संधि कौन सी सी बी, सी बी संधि फर्स्ट वाइस, और फर्स्ट वाइस में धारा कहाँ से होती है एन से पी की ओर, अग्रवाइस में पी से एन की ओर, तो एन से कहाँ गई पी की ओर, अर्थात आई सी करंट कहाँ गया बेटा अंदर। वापस समझ लो, ई बी संधि सी बी संधि, ई बी संधि बोले तो पी फोर पॉजिटिव एन फोर नेगेटिव करंट जाएगा पी से एन, और सी बी संधि क्या कहती है बेटा पी फोर नेगेटिव एन फोर पॉजिटिव करंट जाएगा एन टू पी। तो ये जो डायग्राम है हमारा उभयनिष्ठ आधार विन्यास वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब बनाते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये लो बेटा ये पी ये एन पी, बना दो ना बना दो पीएनपी ट्रांजिस्टर, बैटरी यहाँ जोड़ दो यहाँ जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो बेटा हम पहले सिंपल ये ले लिया, अब मुझे एक बैटरी यहाँ लगानी है एक बैटरी यहाँ लगानी है, पी एन पी ये नाम वही है ऊपर, फिर वही ई वी सी, इसको बी को मध्य में जोड़ दो है ना। संधि बेटा ई वी, ई वी बोले तो पी फोर पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। संधि बेटा सी बी, सी बी बोले तो पी फोर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, खेल ख़त्म, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ई बी नाम क्या हो गया वी ई वी, सी वी नाम क्या हो गया वी सी वी, करंट की बात कर लेते हैं। ई बी संधि क्या बोलती है पी से एन अंदर घुसाओ, सी बी संधि क्या बोलती है एन से पी बाहर निकालो। अब ये बाहर निकलेगी तो ये भी तो यहाँ से होकर निकली, तो ये भी क्या जाएगी बाहर जाएगी आई बी करंट बाहर। तो देखो बेटा अब ये जो डायग्राम बन गया आपका उभयनिष्ठ आधार विन्यास का किसके लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर एवं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। तो उपर्युक्त चित्र के अंतर्गत उभयनिष्ठ आधार विन्यास को दिखाया गया है, इसके अंतर्गत बी ई बी निवेशी वोल्टता जिसके द्वारा ई बी संधि को अग्रवायसित किया जाता है, एवं बी सी बी निर्गत वोल्टता या आउटपुट वोल्टेज जिसके द्वारा सी बी जंक्शन को रिवर्स वाइस किया जाता है, निवेशी धारा आई से उत्सर्जक धारा आई ए जबकि निर्गत धारा आई से, आधार टर्मिनल निवेशी तथा निर्गत दोनों में क्या है कॉमन, बैटरी वी ई वी द्वारा बहुसंख्यक आवेश से आधार में स्थानांतरित किए जाएंगे। क्योंकि आधार बैटरी वी ई वी के नेगेटिव टर्मिनल से संग्राहक बैटरी वी सी वी का नेगेटिव टर्मिनल, आधार बैटरी वी ई बी के नेगेटिव टर्मिनल से संग्राहक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव नहीं बेटा ये हुआ पॉजिटिव,
के नेगेटिव टर्मिनल से संग्राग मेट्री बीसीबी के नेगेटिव टर्मिनल, पीएनपी की बात करते हैं तो बीईबी के नेगेटिव से बीसीबी का पॉजिटिव। अतः आधार में पहुंचे जो बहुसंख्यक आवेश वाहकों में से अधिकांश आवेश वाहक संग्राग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात बीसीबी इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, वीईबी। कुछ आवेश वाहक आधार में ही रहते हैं जिससे आधार द्वारा आईबी क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसी प्रकार संग्राहक को प्राप्त आवेश वाहकों में संग्राहक तथा आधार को प्राप्त आवेश वाहक कुल उत्सर्जक होते हैं, जिनके कारण उत्सर्जक द्वारा आईई बराबर होगी बेटा आईवी प्लस आईसी। तो उत्सर्जक जो करंट होता है वो होगा हमारा आईई बराबर आईवी प्लस आईसी। तो ये तो था हमारा जो विन्यास था उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ और आधार मतलब मध्य में क्या आएगा, आधार विन्यास। नेक्स्ट हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास और उससे अगला उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तो सेकंड है बेटा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। नाम में ही सब कुछ है बेटा। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उत्सर्जक का मतलब मीटर। तो इसका जो डायग्राम बनेगा बेटा ऐसे गोला बनाओ और ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये और ये बना दो, ये बना दो, ये पहले ये बना लो रफली डायग्राम। ओके आ गया बीच में, आया तो ये हो गया हमारा ई, ई आ गया तो ये हो गया सी और ये हो गया हमारा बी। ओके अब ये हो गया, अब इसका नामकरण कर लें, एन पी एन या पी एन पी एन, इसका नाम दे दिया एन पी एन। बेटा आपको बताया सब कुछ होता है वो कहाँ निर्भर करता है, ई वी संधि और दूसरी सी वी। ई वी क्या कहती है, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव और करंट पी से एन। सी वी क्या बोलती है, पी नेगेटिव एन पॉजिटिव करंट एन से पी। अब बैटरी लगानी है, ठीक है यहाँ बैटरी लगानी है, एक यहाँ लगा दो। ओके ई बी संधि, ई बी पी फोर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके सी बी संधि, सी बी संधि क्या कहेगी बेटा, एन फोर पॉजिटिव पी फोर नेगेटिव। बैटरी कंप्लीट। अरे किसी को प्रॉब्लम बेटा, नामकरण करो सी ई तो वी सी ई, वी ई वी वी ई। ओके पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। करंट ई बी संधि, करंट कहाँ से होगा, पी से एन की ओर अर्थात अंदर, तो अंदर आई बी कहाँ गया, अंदर, तो अंदर ये क्या गया बाहर, आई क्या आ गया बाहर। सी बी संधि, करंट एन से पी की ओर अर्थात आई सी करंट कहाँ गया। ये हो गया किसका डायग्राम बेटा, एन पी एन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। अब बनाते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का, देखना बेटा फिर वही येलो येलो येलो। पहले तो आप ये बना ले करो ना, मध्य में ले आओ जिसको मध्य में लाना है, किसका अमीटर का बेटा, तो ये अमीटर, ये कलेक्टर, ये वेस। ट्रांजिस्टर करना है आपको पी एन पी, संधि ई वी, बैटरियाँ लगानी, बैटरियाँ लगानी, ई वी संधि, ई वी बोले पी फोर पॉजिटिव एन फोर नेगेटिव, तो नेगेटिव कर दो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सी वी संधि पी फोर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नामकरण करो बी वी ई, नामकरण करो वी सी ई। ओके ई वी संधि, करंट कहाँ से कहाँ होता है, पी से एन की ओर, पी से एन की ओर, तो आई करंट अंदर, आई वी करंट बाहर, एन से पी की ओर, तो IC करंट बाहर। ये हो गया बेटा हमारा PNP ट्रांजिस्टर और वो भी कौन सा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। उपर्युक्त चित्र में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को दर्शाया गया है, इसके अंतर्गत BEV निवेशी वोल्ट था, BCE निर्गत वोल्ट था, जिसके द्वारा EV संधि अग्रवायसित, इसके द्वारा CV संधि पश्चवायसित।
निवेशी धारा आई वी आधार धारा है, निर्गत धारा आई सी संग्राहक धारा है, और लास्ट है बेटा आपका उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, इसके अंतर्गत एक साथ बनाएंगे आपकी बार, है ना, एनपीएन का और पीएनपीएन का। तो ये लो बेटा गोला, ये इधर दूसरा गोला, ये करो ऐसे ऐसे ऐसे, सिंपल वे बनेगा डायग्राम, ये ऐसे इधर गई, मैं इधर चली। ओके, अब नामकरण करो। अब ये तो नहीं है कि हम पंडित को बुला के नामकरण कराएंगे, अरे नामकरण करना है एनपीएन और पीएनपी। उभयनिष्ठ संग्राहक अर्थात ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये सी तो ये ए, और ये ई तो ये क्या बचा बी, क्या बचा बी। कोई प्रॉब्लम किसी को नामकरण करने में? अरे ऐसा नहीं है किसी का नाम क्यारा रख दो, किसी का नाम रामू रख दो, यहाँ पे तो नाम फिक्स चल रहे हैं, ई सी वी एन पी एन पी एन पी, ये थोड़ी अपने मन से नाम लिखने हैं। नहीं सर मैं तो कुछ और ही नाम लिखूंगा, मुझे तो ये नाम पसंद है। अब नाम हो गया, देखो बेटा एक बैटरी इधर लगानी, एक बैटरी इधर, ऐसी बैटरी इधर, बैटरी इधर। अब आपको याद रखनी है दो बिल्ली, पहली जो बिल्ली होगी वो होगी ईवी। ईवी क्या बोलती है बेटा, पी फोर पॉजिटिव एन फोर नेगेटिव, और मैं जाऊँ कहाँ पी से एन की ओर, जबकि जो सीवी वाली है ये हमारी इसके विपरीत, पी फोर नेगेटिव एन फोर पॉजिटिव, और बोलती है ना बेटा ना एन से जाऊँ पी की तरफ। ओके, सीबी, सीबी बोले तो सीबी क्या बोले, फर्स्ट वाइस क्या बोले, पी फोर पॉजिटिव, पॉजिटिव बना दो नेगेटिव बना दो। ई बी क्या बोलेगी, अग्रवाइस है, अग्रवाइस तो नेगेटिव पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हमारा बेटा चल रहा था उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, तो बेटा इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास का डायग्राम बनेगा आपका ये वाला डायग्राम, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका ए, और यह हो गया आपका वी। एक बैटरी यहाँ लगाओ, एक बैटरी यहाँ लगाओ। सी बी, सी बी बोले तो सी बी संधि क्या होगी, फर्स्ट वाइस, और नाम कर दो इसका एम पी। तो फर्स्ट वाइस में क्या होगा बेटा, पी फोर पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। ई बी, ई बी का मतलब एन फोर नेगेटिव, ई वी का मतलब एन फोर नेगेटिव, पी फोर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये होती है बेटा हमारा उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। ई बी संधि करंट पी से एन की ओर, जब ये बाहर तो ये आई बी करंट कहाँ जाएगा अंदर, आई सी करंट कहाँ जाएगा अंदर, और आई ई करंट कहाँ आएगा बेटा बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारा बेटा उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। उपरोक्त चित्र में उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास को दर्शाया गया है। संग्राहक टर्मिनल निवेशी तथा निर्गत दोनों परिपथों में कॉमन है। जो संग्राहक टर्मिनल है वो सी, वो निवेशी एवं निर्गत दोनों टर्मिनलों में क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। बी बी सी, अब इसका नाम करें तो बी वी सी, और इसका नाम करें बी ई सी,
वीवीसी निवेशी वोल्ट था जिसके द्वारा सीवी संधि को पश्चवायसित किया जाता है एवं वीईसी निर्गत वोल्ट था जिसके द्वारा ईवी संधि को अग्रवायसित अग्रवायसित कब होगी जब एन फोर नेगेटिव होगा पी फोर क्या होगा पॉजिटिव। निवेशी धारा आईवी निवेशी धारा इनपुट करंट क्या होगा बेटा आईवी जबकि आउटपुट करंट होगा बेटा आईसी। तो ये तो थे बेटा हमारे विभिन्न ट्रांजिस्टरों के विन्यास अर्थात उभयनिष्ठ आधार उत्सर्जक विन्यास का डायग्राम बना लिया हमने उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास का और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम विभिन्न विन्यासों के संगत अभिलाषण वक्र खींचना अर्थात विभिन्न विन्यासों के संगत धारा एवं वोल्टता के मध्य अभिलाषण वक्र खींचना। और अभिलाषण वक्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा निवेशी अभिलाषण वक्र और दूसरा बेटा निर्गत अभिलाषण वक्र। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास कॉमन बेस विन्यास और उसके अंतर्गत पहला पढ़ेंगे हम निवेशी अभिलाषण वक्र दूसरा पढ़ेंगे निर्गत अभिलाषण वक्र उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।